किजारी जी ना, मुझे लगता है उन पैदा हुए थे ना तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर डिफेंडर करते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पागल औरत, तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? पवन जी क्या बच्चे थोड़ी ना है जो फ्री में जाके काम कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं ना, उनको भी उसका पैसा मिल रहा होगा। काजल राधवानी, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पर बमक गई है, आखिरकार क्यों? जी हाँ, खेसारी लाल यादव का फॉर्चूनर और रेंज रोवर वाला के साथ साथ ऑटो रिक्शा वाला जो बयान था वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो जब मीडिया वालों ने सवाल पूछ दिया तो काजल राधवानी बमक गई और काजल राधवानी ने कह दिया कि खेसारी लाल यादव क्या पैदा लिए थे तभी से रेंज रोवर पर बैठ गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके बाजार, यानी कि काजल राधवानी खुद हथनी बन गई और कुत्ता बोल दिया खेसारी लाल यादव को। जी हाँ, बयान से तो ये साफ साफ नजर आ रहा है। जी हाँ, यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ काजल राधवानी की जो नजदीकियां, जो रोमांस का जो फ्लेवर देखने को मिलता था फिल्मों को लेकर, और अब क्या हो रखा है, अब काजल राधवानी खेसारी लाल यादव से कोसों दूर है। हालांकि 6-7 महीने पहले एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई और खेसारी लाल यादव ने सैड गाने पर जो परफॉर्मेंस दी थी वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और उसमें काजल राधवानी ने भी पट से परफॉर्मेंस दिया था और लोअर वोर पोछते हुए वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा था कि भाई इन दोनों की नजदीकियां हो चुकी है, होली में इन दोनों का एक साथ गाना भी आता है, एक गाने में नजर आते हैं और उसके बाद फिर अभी कोई नहीं है, तो शायद हो सकता है फिर से, समझ सकते हो ना। और काजल राधवानी फिर पवन सिंह पे ऊपर बमक गई है। पवन सिंह ने जिस तरीके से बॉलीवुड में काम किया है उसको लेकर भी कहती है कि भाई जाहिर सी बात है अच्छा काम है, उनको पैसा वैसा तो मिलता ही होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव के बयान से वो इस्तेफाक नहीं रखती है। मतलब अगर पवन सिंह को अगर ये ऑफर आया है तो अच्छी बात है, अगर खेसारी लाल यादव को अगर ये ऑफर आया होता तो क्या खेसारी लाल यादव ये बयान देते? यानी कि खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है ना कि पवन सिंह के काम करने से भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास नहीं होता, सिर्फ पवन सिंह का विकास होता है, और इस बयान को अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के सारांश कहा जाए तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जो नया गाना है विक्की विद्या का, वो वाली सीडी जिसमें चुम्मा चुम्मा नजर आ रहा है, चाहे स्त्री 2 को लेकर, उसको लेकर पवन सिंह के पक्ष में काजल राधवानी बयान दे रही है, कह रही कि अच्छी बात है हमारा कोई आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर अगर बॉलीवुड में जा रहा है तो ये गर्व की बात है और होना भी चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव के जो बयान है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती है, कहती है कि भैया ये बयान अगर खेसारी जी दे रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, इस तरीके का बयान स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ये काजल राधवानी का स्टेटमेंट लग रहा है ऐसा इंटरव्यू में साफ साफ दिख रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव और जो पवन सिंह का जो दोनों का चुम्मा चुम्मा है गाना वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इधर विक्की विद्या का चुम्मा वाला गाना रिलीज हुआ और आज चुम्मा चुम्मा वर्जन वाला रिलीज हुआ, मतलब दोनों ही गाना बवाल मचा रहा है। अब काजल राधवानी की प्रतिक्रिया क्या थी नहीं है ये अलग बात है, आपको क्या लग रहा है? इंटरव्यू 2 चैनल पे अपलोड है, जाकर आप वहां पे देख लीजिए, और कुछ कहना हो तो इधर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।